तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम खेल रहे एक नया गेम जिसका नाम है जिम सिमुलेटर। तो ये गेम आपको पता होगा कि कार फोर सेल का डेवलपर ने ही बनाया है और सेम टू सेम कार फोर सेल जैसा ही गेम है। तो ये रहा हमारा जिम जो कि हमें खरीदना है $5 का। तो ये हमारा लेवल 1 है तो इसको खरीदेंगे। बट सबसे पहले ये देखो कि ये जिम कैसा लंबा सा बना हुआ है। अक्सर हम अरे कौन है भाई साहब, ओ भाई साहब GTR दिख गई। मतलब GTR इसमें खरीद सकते हैं कि नहीं पता नहीं, बट ये हॉर्न बंदा मार रहा था, इसकी गाड़ी ले लेके आ। बट कोई बात नहीं, ये गाड़ी लगता नहीं ले सकते। बाकी गाड़ी मस्त लग रही थी पहले में GTR का दर्शन। और यहाँ देखो टेस्ला दिख गई हमें जो कि मस्त लग रही है। यानी कि इस गेम में गाड़ियां हम खरीद नहीं सकते। तो आज हमें खोलना है अपना जिम जो कि पहला जिम होगा और ये सिटी में हम अपना जिम का नाम रखते हैं। तो हमें पहले बाइक करना है तो हमने बाइक कर लिया। अब आज का जो हमारा लकी कमेंट होगा उसका नाम आज बोर्ड पे रखते हैं। स्टार्टिंग यार सबसे पहले सब्सक्राइबर का नाम से शुरू करना चाहिए, तो हमने अपने सब्सक्राइबर का नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो लकी कमेंट है उसका नाम है समीर। तो समीर भाई की जिम हो चुकी है आज के लिए, तो फटाफट लाइक कर देना। बाकी इसका कलर थोड़ा सा लाल रख देते हैं और यहाँ से साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और विड्थ को भी बड़ा कर दिया। बाकी इसका लोगो भी हम रख सकते हैं। तो लोगो यार मुझे देखने तो कौन कौन सा लोगो अच्छा लगेगा, तो मुझे लग रहा है ये हाथ वाला लोगो मस्त लग रहा है। तो ऑल राइट गाइज, इसको डन करते हैं। बाकी अपना नाम हो चुका है और सिटी भी कितनी प्यारी है। बाकी समीर भाई की आज हो चुकी है जिम। तो हमारा पहला टास्क है कि पेपर हटाना है हमें जो कि अंदर से हटेगा। इसका गेट नहीं है जो कि बहुत ही अजीब है, तो गेट खुला हुआ शायद, तो इसे रिमूव करते हैं। E2 रिमूव, तो हमने कर दिया। बाकी ये रोल हो जा रहा है पेपर, क्या ही मस्त काम मिला है हमें। पहला काम बड़ा ही मस्त है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो हमने लगभग सारा हटा दिया, बाकी कुछ बचा हुआ है तो इसको भी हटाते हैं। तो अब नेक्स्ट टास्क है हमारा कि सारा मतलब कूड़ा करकट को उठा कर बाहर फेंकना है, तो इसको उठाते हैं। बट ये उठेगा कैसे ये? अच्छा E2 ट्रैश, तो इसको उठा लिया मैंने। बाकी ये बंदा अपना जेब में रख लिया। अरे भाई साहब जेब में नहीं रखना, बाहर फेंकना था इसको। बट कोई बात नहीं, इसे जेब में रखने दो, बाद में फेंक देंगे। बाकी इसे भी हमको बाहर करना होगा, तो फटाफट उठाते हैं। और ये एक ही बार में जाएगा तो इसको कहाँ रखना, डस्टबिन डस्टबिन। अच्छा यहाँ डस्टबिन एक, तो यहाँ पे रख देते, शायद गाड़ी वाला आके ले जाएगा। बट शायद यहाँ नहीं रखना था, हम गलत रख दिए इसको, शायद उस डस्टबिन में डालना। मार्क यहाँ पे आ रहा था, तो ऑल राइट गाइज हमने सही रखा। बाकी फटाफट क्लीन करते हैं अपने ऑफिस, ऑफिस बोलते हैं मतलब अपने जिम को। बाकी आखिरी बचा हुआ इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से। और क्या ही मस्त क्लीन हो चुका है पूरा। और दो सामने पड़ा हुआ है तो इसको भी फटाफट उठा लेते हैं। बाकी एक बार में एक ही उठता है, तो इसे मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और एक बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। बाकी गाइज हमारे पास टोटल 6 कलेक्ट हो गया। एक बचा हुआ था, एक कहाँ पे होगा एक। तो गाइज हमने 6 कलेक्ट कर लिया, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी जो हमारा कूड़ा है वो कहाँ पे है। मतलब कि हमने चारों तरफ देख रहे हैं बट हमें मिल नहीं रहा है। और यहाँ तो लेवल अप है, बट एक सेकेंड हमें याद है कि हमने सबसे पहले यहाँ रखा था, तो जो कि गलत रख दिया था, इसी के कारण टास्क कम्प्लीट नहीं हुआ था। बट अब हो चुका है और अब हमें करना है ये साफ सफाई जो कि हमें बता रहा है कि कैसे जाना टैब में। तो गाइज हमें चाहिए ब्रश जो कि फ्लोर को साफ करे, तो ये रहा, तो फटाफट साफ करते। बाकी ये पैर का दाग हमारा है, कोई और अभी तक आया नहीं है। बाकी अपना बड़ा बड़ा पैर का दाग 4 गो बन चुका है, तो इसको साफ कर दिया मैंने। तो ऑल राइट गाइज, ये टास्क भी कम्प्लीट हो चुका है और नेक्स्ट टास्क आ चुका है। तो यूज कंप्यूटर, हमें कोई सामान बाई करना है। बाकी हमारा बंदा हाथ में रेंज पकड़ लिया, मतलब गेम अभी डेवलप स्टेज में तो कोई नहीं चलता, तो फटाफट देखते। बाकी हमें दो सामान खरीदना है, तो शॉप से खरीदेंगे और कहीं तो जिम से तो नहीं होगा। बाकी कौन सा खरीदे यार, पैसा कितना है समझ भी नहीं आ रहा। तो ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है GM $25 है कि क्या है पता नहीं। बट काम करते हम कि ये दो खरीद लेते, एक ये खरीद लेते और एक ये वाला खरीद लेते। बाकी चलो ग्रीन टिक लग चुका है। और बाय फोर चेंजिंग, अच्छा चेंजिंग के लिए वो केबिन टाइप चाहिए, तो केबिन 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 कहाँ पे होगा, ये रहा केबिन शायद। तो ये तो लॉकर है, तो लॉकर नहीं लगाना है, तो इसी को लेते हैं। बाकी 1 GM का है, तो GM CM पता नहीं क्या है, तो हम शायद 1 नहीं लेना, 4 लेना, तो मैं 4 ले लिया। बाकी है बाय ट्रैश कैन, यानी डस्टबिन, डस्टबिन डस्टबिन कहाँ पे होगा, ये रहा एक्स्ट्रा में, अच्छा ये रहा डस्टबिन। बाकी यहाँ पे लेवल 7 में जूस के लिए मशीन भी है। तो ऑलराइट गाइस, ये भी टास्क कम्प्लीट हो गया, हमने सब कुछ खरीद लिया है और इसे लगाना है, तो फटाफट लगाते हैं। बाकी कहाँ कहाँ लगाएंगे देखते जाओ, तो हमें करना है प्लेस करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टैब में आते हैं और ये रहा, तो ये रहा दोनों सामान। बाकी और कुछ तो सामान है, अच्छा डस्टबिन भी है हमारे पास और लॉकर रूम भी है, तो फटाफट लगाते हैं। बाकी इसको हम लगाएंगे यहाँ पे शीशा के सामने, ताकि बाहर से जब बंदा लोग देखे तो पता चले कि ये जिम है। और एक्सरसाइज होते हुए थोड़ा मजा भी आना चाहिए, बाहर का नजारा दिखना चाहिए। तो हमने खरीदा था, बाकी इसको कहाँ पे लगाए इसको समझ नहीं आ रहा, इसको लगाना कहाँ है। बट कोई नहीं, इसको यहाँ पे नहीं, इसको एक काम करते, हमारे पास अभी 2 है तो इसको यहाँ पे लगा देते, जब ज्यादा होगा तब अरेंज कर देंगे। तो फाइनली हमारा ये काम भी हो चुका है। अब आते, अब आगे क्या लगाना है, आगे लॉकर लगाना, चेंजिंग केबिन।
तो इसको केबिन को कहाँ पे लगाना है, हमें लगाना है दो मेल पे दो फीमेल के रूम में। अच्छा गाइस, ये जो पीछे दो रूम बना हुआ है ये चेंजिंग के लिए है, बाकी ये वाला फीमेल का है और ये वाला शायद मेल का है। तो फटाफट लगाते हैं, तो इसमें कपड़ा चेंज होगा, लड़का लोग जो होगा कपड़ा चेंज करेगा, इसको यहाँ पे लगाते हैं। बाकी हमने दो लगा दिया है, अब हमें क्या लगाना है। अच्छा दो को उधर भी लगाना है, बट पहले अच्छा यहाँ नहीं लगाना है शायद, इसको अंदर लगाना है। बट सबसे पहले जो हमें करना है डस्टबिन, तो डस्टबिन यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इसको पहले हटाते रिमूव करते, और डस्टबिन हमें इस रूम में लगाना है शायद। तो डस्टबिन ये रहा, कहाँ गया एक्स्ट्रा में शायद था, ये रहा हमारा दो डस्टबिन है, तो एक हम कोना में लगा देते हैं, बाकी कुछ अगर गंदगी होगा तो ये लोग फेंकेगा। और इसको शायद फीमेल का रूम में छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे। बाकी हमें क्या प्लेस करना है, यहाँ पे भी केबिन लगाना, तो फटाफट केबिन को लगाते हैं और इसको हटाते हैं। तो मैंने इसे हटा दिया गाइज, और ये रहा हाथ में ब्रश आ गया था, बट कोई बात नहीं, ये रहा हमारे दो केबिन। फटाफट केबिन को लगाते हैं, एक मैंने लगा दिया है और एक और लगाते हैं, बाकी दो वो फीमेल के लिए हो चुका है। तो ऑलराइट गाइज, अंदर का दोनों रूम में हमने लगा दिया, बाकी नेक्स्ट टास्क भी आ चुका है, वेट फॉर फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर हमारा आने वाला है, तो चलो बैठते हैं, हमको लग रहा है यही अपना फर्स्ट मेंबर बनेगा क्या, देखते क्या होता है। और ये रहा हमारा होम पेज, बट एक सेकेंड, एक मेंबर आ चुका है, यही है हमारा फर्स्ट मेंबर जिसका नाम है, क्या नाम है, निकेलो निकोला। तो निकोला को चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप, तो स्टैंडर्ड मेंबरशिप हमारे पास है, तो $800 का है। बाकी यार हमारे पास लो वाला भी है, VIP वाला भी है, तो बाकी इस बंदी को ID भी दिख रहा साइड में, तो फटाफट स्टैंडर्ड वाला देते। तो ऑलराइट गाइस, ये अपनी मेंबर हो चुकी है, अभी कितना पैसा देगी वो तो नहीं पता मुझे, बाकी देखते क्या होता है गेम में। बाकी जा रही अंदर, तो थोड़ा परफ्यूम मार देते हैं, पहला दिन है और थोड़ा सा रूम में स्मेल भी होना चाहिए। आओ तुम्हारा मुंह में मार दे गाइज, कोई बात नहीं, इसका मुंह में नहीं मारते, चल के अंदर मार देते हैं, बस वो कपड़ा चेंज करते वक्त हमें देख ना ले। तो हमने इस रूम में ही मार दिया, फटाफट भागो यहाँ से भाई, वरना रेटिंग गलत आ जाएगा फिर। कोई नहीं, इस रूम में भी मार देते, और फाइनली सारा हो चुका है और वो आ रही है, तो यहाँ पे भी मार देते हैं, ताकि ज़्यादा मतलब लगना चाहिए भाई कि अपना जिम है, समीर भाई का जिम है। तो फटाफट यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या करना है। बाकी ये जा रही है जिम करने के लिए गाइज, क्या है, इसको तो जिम की जरूरत थी भी, तो गाइज इसने जिम को शुरू कर दिया। बाकी बाहर से चल के दिखाते कैसा नज़ारा आने वाला है। ये रहा हमारा बाहर का सिटी, और ये रहा अपना बाहर से, यार क्या ही मस्त लग रहा है, ऑसम लग रहा है एकदम देखने में। बाकी कस्टमर आएंगे तो देखेंगे भी अंदर से भी, और बाहर से भी कुछ लोग जो रेंडमली जा रहे होंगे वो भी देख रहे हैं कि यहाँ जिम खुल चुका है नया, जो कि अपना समीर भाई का है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं वो लड़की क्या क्या कर रही है, बाकी ये जिम कर रही है। तो गाइज अपने पास अभी दो सामान है जिम के लिए, बाकी और भी ऑर्डर करेंगे, बट पहले देखते हैं कि क्या। बट एक सेकंड, ये तो जा रही है, कहाँ जा रही है, अच्छा ये इधर बगल में कर रही जिम। बाकी यार ये लड़की कुछ ज्यादा ही हेल्दी है, बट एक सेकंड यहाँ पे मार क्या आ रहा है मुझे वो देखना होगा। अब लड़की हमें ही घूर रही है, बट कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अच्छा ये सामान नीचे फेंक दी है, मुझे लगा ये खराब हो गया, बट कोई नहीं, ये सामान को मुझे खुद से उठाना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइस, मैंने इसे उठा के रख दिया, बाकी ये लड़की भी जिम कर रही है, और पहला कस्टमर है हमारा, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, और लेवल हमारा 2 है। तो चल के देखते क्या क्या है अपने कंप्यूटर में। तो हम आ चुके हैं, बाकी बैक करते हैं, और यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये रहा जो कि हम बाउंड्री दीवार कहीं पे भी लगा सकते हैं, बाकी इसका पैसा कितना होगा वो नहीं पता, चेक कर लेते एक बार। तो यार इसका चेकिंग एक बार क्लिक करके देखते हैं, बस कट ना जाए पैसा। तो यार पैसा तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, बाकी इसमें पैसा हमारे पास कितना नहीं पता। और ये रहा जिम का सामान, जिम का सामान नहीं, यहाँ पे शायद हमें वो मतलब कि बोलते हैं कि एरिया शायद है, तो एरिया यार अभी तो लेना नहीं है कुछ, बाकी कुछ कुछ अभी कमिंग सून है। तो और बैक करते हैं, ये रहा हमारा शॉप, जो कि यहाँ पे भी सामान खरीदना है तो खरीदेंगे, देखते क्या क्या खरीदना है। बाकी मैट भी मिल रहा है और बहुत कुछ है, हमने तो कभी जिम किया नहीं है। बाकी एक कस्टमर आ चुका है जिसका नाम है एडन, तो एडन भाई को चाहिए स्टैंडर्ड, तो मैंने दिला दिया स्टैंडर्ड। बाकी सेम टू सेम उसका जुड़ा हुआ भाई आ चुका है, जो कि सेम कपड़ा पहना हुआ है, तो भाई इसका नाम है, इसका नाम है एल्बर्ट, तो एल्बर्ट भाई को भी स्टैंडर्ड चाहिए, दोनों भाई को मैंने दिला दिया। बाकी हमारे पास 3 मेंबर हो चुका है, और हमारे पास लेवल अभी हमारा है 2। अब वो लड़की कहाँ चली गई पता नहीं, बट बिना पैसा दी चली गई। रुको वेट वेट, वेट पहले इसको साफ कर देते, यार रेटिंग खराब नहीं होना चाहिए, इसको क्लीन करते सबसे पहले। तो यार क्लीन हो जाओ बस, अच्छा ये क्लीन हो चुका है, ये भी क्लीन हो चुका है, बाकी ये जा रही है। अच्छा भाई साहब, इसका हरा हरा क्या निकल रहा है, एक सेकंड क्या हो रहा है। अच्छा इसका XP बढ़ चुका है, और ये मतलब फिट हो चुकी है, और ये अपने घर जा रही है, अभी नेक्स्ट डे आएगी। बाकी ये दूसरा बंदा जो कपड़ा चेंज करके आ चुका है, तो ये भी जा रहा है जिम करने के लिए, इसे करने देते हैं। बाकी और भी बंदे थे, कहाँ चले गए पता नहीं। बाकी ये बंदा जिम कर रहा, बट ये थूक कौन दिया यार, यहाँ पे पानी वानी गिरा दे रहा है ये, बट ये पानी नहीं, ये कुछ और है, अगर आप ठीक से देखो तो ये मतलब कि बहुत ही अश्लील चीज़ है। बट कोई बात नहीं, हम आते हैं कंप्यूटर पे और यहाँ पे देखते क्या क्या है। अरे 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 भाई साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे,
वो भाई साहब ये कैसे चिल्ला रहा, कौन चिल्लाया है यहाँ पे, ऐसे ये सब गलत काम मत करो, कोई यार थूक दे रहा है, कोई चिल्ला दे रहा है, ये जिम है। देखो भाई साहब सामान नीचे फेंक दे, ये गलत करता है ये लोग सामान नीचे क्यों फेंक देता है, अब इसको ऊपर रखना होगा। बाकी दो कस्टमर आ चुका है, फटाफट मेंबरशिप देते हैं उनको, तो हमने सामान रख दिया है और देखते हैं इनको क्या क्या चाहिए। बाकी आ चुके हैं पेज पे, जिसका नाम है जैनी, जैमी जैमी लड़की वाला नाम, कोई नहीं, इसे चाहिए स्टैंडर्ड मेंबरशिप, तो फटाफट देते हैं। और एक और बंदा आ चुका है जो कि कोट पैंट में है, अब इसका नाम देखते पहले, तो इसका नाम है हमारा एडन, तो एडन है इसका नाम। बाकी इसे चाहिए एक लो वाला, यार लो वाला क्यों ले रहे हो, स्टैंडर्ड लो यार, लो वाला में क्या मजा आएगा, कोई नहीं, इसे हमने दे दिया मेंबरशिप। बाकी चल के देखते हैं कि हमारे पास कितना मेंबर हो चुका है। तो ये बंदा जिम कर रहा है, मुझे ऑर्डर भी करना था सामान, ये लोग इतना चिल्लाता है कि हम ऑर्डर नहीं कर पा रहे। तो ये रहा हमारा पेज, और हमें ऑर्डर क्या करना चाहिए, मुझे लगता है मैट, एक सेकेंड यार क्या आवाज़ कर रहा है, मुझे लगता है कि जो लोग जा रहा है वो लोग पैसा देके जा रहा है, क्योंकि पैसा हमारा बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम टाइल्स का भी काम करा सकते हैं, पेंट्स का भी करा सकते हैं। बाकी ये लेवल 7 पे खुलेगा, जो कि हमको वेट नहीं होता कब होगा हमारा लेवल 7। बाकी हम बहुत कुछ मंगा सकते, तो एक ये मंगा, अरे भाई साहब ये क्या चिल्ला रहा है बंदा, ये जिम कर रहा है कि क्या, मार रहा है क्या कुछ, कोई बात नहीं। तो ये दो हमने मंगा लिया है, बाकी ये कहाँ शो होगा पता नहीं, तो एक्स्ट्रा में एक बार देख ले कि क्या करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम तो बस क्लिक करते जा रहे हैं और ये कहाँ पे होगा वो समझ नहीं आ रहा। तो एक बार बैक करके देखते हैं, यार इसमें तो दिख नहीं रहा। बाकी एक मेंबर आ चुका है, तो इसको मेंबरशिप देते हैं, तो इसका नाम है एबी और स्टैंडर्ड चाहिए, तो मैंने दे दिया स्टैंडर्डशिप। बाकी ये बंदा क्या ही चिल्ला रहा है यार, जिम कर रहा है, अरे यार ये बंदा देखो देखो क्या चिल्ला रहा है, भाई पागल है क्या, भाई तू पागल है क्या थोड़ा सा। बाकी सामान ये लोग नीचे फेंक देता है यार, ये गलत करता है, ये सामान को ऊपर रखने दो मुझे। बाकी ये बंदा कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा है, और मुझे एक बार देखने दो। अच्छा ये आ चुका, मैंने खरीद लिया है, और इसका दाम यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे खरीदा मैंने, बट 5 खरीद लिया, तो कोई बात नहीं, इसको अब रखे कहाँ 5 गो को, हमको सेल करने भी नहीं आ रहा कि इसको वापस कैसे सेल करें, बट कोई नहीं, चलो यहाँ पर लगा देते 5। बाकी लगना चाहिए जिम में सामान वामान है, तो इसे हमने 3 यहाँ लगा दिया, 4 यहाँ पर हो चुका है। बाकी मस्त लग रहा है पीछे से व्यू, और एक बचा हुआ है तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, बाकी 5 मैंने लगा दिया। अब यार क्या ही मस्त लग रहा है, अब लग रहा है जिम टाइप थोड़ा। चलो फटाफट देखते हैं और कुछ बच रहा है क्या, और एक्स्ट्रा में अच्छा डस्टबिन बच चुका है, तो इसको कहाँ लगाए, इसको एक काम करते हैं ना, इसको ये लोग गंदा फैलाता बहुत ज्यादा, तो इसको एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो हमारा जिम चालू हो चुका है प्रॉपर, और वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना। बाकी हमने 5 मशीन मंगा लिया, टोटल 6 हो चुका है और एक मंगा चुका है, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे मैट वूट जितना भी होगा मंगाएंगे अगर पैसा होता है तो। बाकी अभी का टाइमिंग क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, और एक कस्टमर आया है, यार क्या ही काला है, काला बंदा ऊपर से कोट पैंट पहना है व्हाइट में, तो मतलब क्या ही कॉम्बिनेशन बनाया है। बाकी इस बंदे का नाम नहीं पता, तो स्टैंडर्ड मेंबरशिप लेने आया, इसको फटाफट देते हैं। एक और कालू बंदा आ गया, जो कि भाई साहब दिखाई नहीं दे रहा है, और रात में तो और नहीं दिखेगा। बाकी इसका नाम है एल्बर्ट, तो फटाफट स्टैंडर्ड मेंबरशिप देते हैं। और हमारे पास और भी कस्टमर हो चुका है जो कि मेंबर बन चुके हैं हमारा। बाकी लोग क्या ही गंदा फैला दिया है, और बाहर का व्यू देखो क्या ही मस्त व्यू हो चुका है, मतलब रात होने वाली है और जिम का काम हमने पहला दिन कंप्लीट कर लिया। तो गाइस ये लड़की को देखो क्या ही मतलब ग्रीन ग्रीन निकल रहा है, बट हमें साफ सफाई भी करना है, तो साफ सफाई पहले करते हैं, गंदगी नहीं होना चाहिए अपने जिम में। बाकी समीर भाई का जिम था पहला दिन, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा मतलब मेंबर हो चुका है अपने जिम के लिए। बाकी ये लड़की काम कर रही है, और ये कलू आ चुका है क्योंकि क्या ही मस्त हाफ पैंट पहना हो, बट एक सेकंड यहाँ पे देखो यार ये लोग कपड़ा कैसे फेंका हुआ है, यानी कि कपड़ा भी अच्छा से नहीं रखा है ये लोग, और एक ही केबिन में दोनों कपड़ा साथ में चेंज किया है, मतलब कि क्या पता क्या सीन है अंदर। खैर कोई बात नहीं, तो ये लड़की का जिम हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और रात भी होने वाली है, तो आज का पहला दिन। अरे भाई साहब क्या ही चिल्ला रहा है ये बंदा जिम कर रहा है कि क्या कर रहा है यार, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं भाई, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहा है, चिल्लाओ मत। तो ऑलराइट गाइस, आज का वीडियो ही खत्म करते हैं। बाकी रुको, एक मेंबर आई तो उसको भी मेंबरशिप दे देते, और धीरे धीरे रात भी होने वाली है या फिर रात हो चुकी है पता नहीं चल रहा है, गेम अभी डेवलप हो रहा है तो उतना समझ नहीं आ रहा। बाकी ये लड़की का नाम है लॉयला, और लॉयला का चाहिए स्टैंडर्ड, तो मैंने दिला दिया। और ऑलराइट गाइस, आज का वीडियो ही खत्म करते, इससे पहले कोई चिल्लाए तो हम चलते जिम को बंद करते, और ये लड़की निकल रही है, भाई साहब ये फिर चिल्लाने लगा, क्या ही चिल्लाता बंदा। खैर गाइज, आज की वीडियो यहीं पे, मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।